के अर्जी लगाई मजा आ गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमारे को। थोड़ा जोश में से बोलो। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। रन ऑफ द एक्सप्रेस बहुत 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 अच्छा रहा। बहुत बढ़िया। आज हमारे चंदा गांव का छठे सम्मेलन इतना प्यारा और खूबसूरत हुआ, यादगार पल सब यहां से लेके जाए और हर आने वाला साल यादगार पल बनाए, इसी शुभकामना के साथ स्नेह सम्मेलन ऑल द बेस्ट। हमारा स्नेह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा और आशा करते हैं कि 2019 का सम्मेलन भी बहुत इसी तरह से अच्छा रहे। आज का यह हमारा स्नेह मिलन प्रोग्राम बहुत ही शानदार और उत्साहवर्धक रहा। हमारे जहां बाहर से बसे हुए मुंबई, नागपुर, रिसोड, अहमदाबाद और कुंडा गांव से आए हुए लगभग 90% लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत उत्साह के साथ यह प्रोग्राम हमारा आज ये समापन की ओर अग्रसर हो जा रहा है। हमको बहुत हम बहुत आनंदित और खुशी से भरपूर है और पूरी ये स्नेह सम्मेलन कमेटी सबको बहुत ही बहुत हार्दिक धन्यवाद देती है कि इतनी उत्साह के साथ सब लोगों ने इसमें शिरकत की। और 2019 का स्नेह सम्मेलन हमारा तारंगा जी में होना फिक्स हुआ है, तो सब जन उसी उत्साह उसी दुगुने उत्साह के साथ वहां पर आए, ऐसी में सबसे अभिलाषा। 2018 का जो स्नेह सम्मेलन रहा बहुत ही उत्साहवर्धक रहा और आनंदमय रहा। हमारी जो हमारे को जो इच्छा थी उससे कई गुना ज्यादा हम सोच नहीं सकते थे, उससे अच्छा सफलतम प्रोग्राम रहा। और 2019 के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया है, मंगा पारसला भगवान से प्रार्थना करते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो और ऐसा ही हमें हमने करने का निश्चित किया है। देखो भाई, हमारा 2018 का जो स्नेह सम्मेलन हुआ, जो शांतिलाल जी ने हमारे बहुत अच्छे से करवाया, उनके अंतर्गत हुआ, कर्मठ परिश्रम से हुआ, उनको मैं अच्छे से धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी इसी तरह सफल हमारा प्रोग्राम होता रहे, फिर वो अपना का संचालन करे तो मैं उनको और आगे से उनको पहले से ही धन्यवाद उनको। जैन दर्शन इसी तरह से धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रसर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवे, यही मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। स्नेह सम्मेलन गांव के सभी लोगों के जो अलग अलग जो है ना युग से जो जन्मे हैं उन लोगों का मिलन का बहुत ही अच्छा सम्मेलन है, जिसमें लोग लाइक हर डिकेड में जो जन्म हुए हैं वो गांवों से विभिन्न शहरों में जाकर जो बसे हुए हैं और अपने अपने रोजगार में होने के कारण वो जो मिल नहीं पाते हैं, यह एक ऐसा मौका है, ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है जिसके अंदर सब लोग मिल के सभी अभी अपने लाइक 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बच्चे एक जगह मिल के आपस में अपनी एक पुरानी यादों को तारतजो करते हैं और मिलकर अपनी गांव की जो भी यादें हैं उनको वापस एक मेमोरेबल बनाते हैं। आई थिंक ये सम्मेलन बहुत ही एक अच्छा आयोजन किया गया, इसके लिए मैं आयोजकों को और जिन लोगों ने गांव के सभी वासियों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैंने इस सम्मेलन में बहुत ही एंजॉय किया और मुझे सभी लोगों से वापस रिकनेक्ट करने का मिलने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान करता है। एज ए मैं एक अलग अपने व्यवसाय की वजह से या रोजगार की वजह से अलग अलग शहरों में रहता हूँ तो मुझे मिलने का मौका नहीं मिलता है, बट यह मुझे एक अच्छा रिकनेक्ट का अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद। थैंक यू। आज ये जो 2018 का स्नेह सम्मेलन दिगंबर जैन समाज कुंडा ने जो आयोजित किया बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हमारे आयोजकों ने बहुत ही मेहनत से काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली, पर शायद अभी जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छे समय उठाया है और उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया है जो एक तारीफ के काबिल है। और आज इस स्नेह सम्मेलन से हम एक दूसरे को पहचानने की
जो हमें मदद मिल रही है। आज एक दूसरे को पहचान नहीं सकता है, किसी का बच्चा कौन किसका बच्चा है, कौन किसकी बहू है, शायद ज़िंदगी में कभी मिल नहीं पाते हैं। कोई किसी के फंक्शन में भी अगर आवे तो ठीक है, चंद लोग 5-50 लोग मिल लेते हैं। आज पहली बार 300 लोगों का एक स्नेह सम्मेलन हुआ, एक दूसरे से परिचित हुए, बहुत खुशी की बात है। और भविष्य में इसी प्रकार के स्नेह सम्मेलन आयोजित होते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सभी आयोजकों को एवं जो पधारे हैं सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुंडा का स्नेह सम्मेलन महुआ पार्श्वनाथ में हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से हर साल सम्मेलन होता रहे, इसी भावना के साथ हर वर्ष इसी उल्लास के साथ मनाया जाए, इसी कामना के साथ जय दीनेन्द्र। 2018 का जो हमारा कुंडा का स्नेह सम्मेलन महुआ में आयोजित हुआ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और भरत भाई जैन दर्शन वालों का भी उसमें बहुत काबिले तारीफ योगदान था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।